ये वीडियो एक भूतिया घर का है। ये वीडियो बनाया है रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डेनिस ने। ये एक यूट्यूबर भी है और इनके चैनल का नाम है डार्क घोस्ट। ये रशिया के ही एक घर में गए थे जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वो एक पूरी रात इस घर के अंदर बिताएंगे और यहां पर होने वाली हर घटना को वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने उस घर के दरवाजों को बंद कर लिया और घर के अंदर रिकॉर्डिंग करने लग गए। लेकिन जैसे ही रात हुई, कोई इस घर में घुसने की कोशिश करने लगा। हालांकि घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन ये नॉर्मल आदमी नहीं था जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। शायद ये कोई घोस्ट था, इसीलिए उसने अपनी पावर्स का यूज करके इस घर के दरवाजे में लगी कुंडी को अंदर से ही खोलना शुरू कर दिया। ये देखकर डेनिस काफी डर गए, क्योंकि वो अब इस अनचाहे मेहमान को घर में घुसने से रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद भी उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। वो ये पूरी घटना रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि अचानक एक वार्डरोब का ड्रॉअर खुल गया और उसके अंदर से अपने आप एक न्यूज़पेपर निकल आया। उसके बाद वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। जब उन्होंने इस वार्डरोब के अंदर झांक कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस दरवाजे का मूवमेंट कंटिन्यूअसली होता रहा। तभी अचानक डेनिस को एक नॉइस सुनाई दिया दूसरे कमरे में। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो नजारा काफी दिल दहला देने वाला था। दूसरे कमरे की दीवार पर एक बैग टंगा हुआ था जो ऐसे मूव कर रहा था जैसे उसके अंदर कोई जानवर फंस गया हो, और ये लिटरली काफी ज्यादा डरावना है। उन्होंने जब उस बैग को खोलकर देखा तो वो बैग पूरी तरीके से खाली था। शायद उस घर में मौजूद वो बुरी आत्मा डेनिस को वहां से डराकर भगाना चाहती थी। अपने साथ घटे इस पूरे इंसिडेंट को डेनिस ने अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों के साथ शेयर किया है, और ये काफी स्कैरी मूवमेंट था जब एक यूट्यूबर ने एक घोस्ट को अपने कैमरे में कैप्चर किया। तो भैया आज हम डरने डराने का काम नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे यूट्यूबर वर्सेस घोस्ट का पार्ट 2। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंसिडेंट जहां पर हमारे इंडियन और कुछ फॉरेनर यूट्यूबर्स ने घोस्ट को एनकाउंटर किया, मतलब उनका एनकाउंटर नहीं किया, घोस्ट को देखा। और हम ये भी एनालाइज करेंगे कि ये जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं ये असली हैं या फिर यहां पर ओवर एक्टिंग चल रही है। तो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को घोस्ट से मिलते देखने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का फाड़ू वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टर इंडियन हैकर की भूत से मुलाकात। ये चैनल इंडिया का शायद सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल चैनल है और ये लोग कभी कभी कुछ भूतिया एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर और उनकी टीम ने फैसला किया कि वो लोग रात को एक हॉन्टेड जगह पर जाएंगे जहां पर जनरली रात में इस तरीके की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। ऐसी जगह पर जहां लोग रात में जाने से डरते हैं, और हालांकि ये लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, यहां पर इनकी पूरी टीम जा रही है। ये पूरी घटनाओं को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और अंधेरा नहीं है, अच्छी खासी लाइटिंग है यहां पर। लेकिन भाई इस तरीके के वीडियो बनाने में रिस्क तो होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि रात के अंधेरे में आपका सामना किससे हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको भूत ही मिले, कभी कभी कोई चोर लुटेरा भी मिल सकता है, कभी कभी सांप बिच्छू से भी आपका सामना हो सकता है। तो मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ने ये रिस्क उठाया और वो लोग चले गए एक हॉन्टेड जगह पर। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उनका एक साथी बेहोश हो गया। उसे काफी अजीब सी फीलिंग्स आने लगी, वो घबरा गया। ये पूरी घटना देखकर मिस्टर इंडियन हैकर भी काफी ज्यादा घबरा गए। उनके दोस्त की हालत में सुधार ही नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने फैसला किया कि वो सब हाथ पकड़कर वापस घर जाएंगे। जब वो लोग वापस घर जा रहे थे तभी अचानक से उनके एक टीम मेंबर की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आईं। ये सब लोग वहां पर गए और देखा कि वो बैठकर रो रहा था, वो काफी ज्यादा डर चुका था। और दूसरा मेंबर जो बहुत पहले घबरा चुका था भाई, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। और रात के समय में जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो भाई अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद फिर क्या था, इनकी पूरी टीम ने दौड़ लगाई और ये लोग आए अपने घर पर वापस। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो किया ना, वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। मतलब तुम जरा इस फुटेज को फिर से देखो, यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर जिस तरीके से गिर रहे हैं, ये मुझे कुछ नेचुरल तो नहीं लग रहा। मतलब ये लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि कोई शक्ति है इनके आसपास, ये सब बेहोश हो रहे हैं, बट मुझे तो थोड़ी ओवर एक्टिंग ही लग रही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि लोग काफी दूर से भाग कर आ रहे थे, इसलिए ये लोग थक कर निढाल हो गए थे। तो आपको क्या लगा, मिस्टर इंडियन हैकर सच में डरे हुए थे, किसी भूत से उनका सामना हुआ था, या फिर ये सब एक फेक स्क्रिप्टेड वीडियो था जो केवल आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था? मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो इस फेक जंप को देख करना मेरा तो पूरा मजा खराब हो गया। एनीवे, मैं मिस्टर इंडियन हैकर को कोई एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा कि भाई ये वीडियो फेक है या रियल है। आप मुझे अपने ओपिनियन बताना, क्योंकि अगर ये घटना सच्ची है तो वाकई में मिस्टर इंडियन हैकर जब इस हॉन्टेड जगह पर गए थे तो उनका सामने एक ऐसी शक्ति से हुआ था जिसकी वजह से उनका दोस्त भी बेहोश हो गया और वो इतने डर गए कि उन्हें घर वापस आना पड़ा। चलो इस वीडियो को देखकर तो कुछ खास डर नहीं लगा होगा, मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत अच्छे से, तो मैं दिखाता हूं तुमको कुछ ऐसा जिसे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी।
तो भाई बहुत से लोग कमेंट लिख ही रहे थे अभी राइट नाउ कि भाई मजा नहीं आया, ये वीडियो उन लोगों के लिए था। आया मजा? एक यूट्यूबर है जिनका नाम है क्रिंजी पार्कर, वो अपने यूट्यूब चैनल पर जगह जगह पर जाते रहते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर जनरली कोई नहीं जाता। तो यहां पर एक भूत की खोज में एक हॉन्टेड जगह और एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस को लेने के लिए वो चले गए एक सीवर लाइन के अंदर। ये सीवर पाइप काफी ज्यादा बड़ा था और जब ये इसके बहुत ज्यादा अंदर चले गए तो इनको कुछ अजीब सी आवाजें दिखाई देने शुरू हो गई और उसके बाद इनके कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ जिस पर वाकई में यकीन किया जा सकता है। एक बहुत अजीब सा क्रीचर इनको दिखाई दिया और वो देखते ही ये पलट कर जो भागे वो मूवमेंट लिटरली बहुत स्कैरी है और बहुत ऑथेंटिक भी है। जरा एक बार आप लोग फिर से देखिए। देखा आपने, यहाँ पर जब इसका मैंने स्लो मोशन में स्क्रीनशॉट लिया तो वाकई में यहाँ पर एक क्रीचर था जो नकली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन अगर ये क्रीचर असली है तो वाकई इंसानों के लिए काफी बड़ा खतरा है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई इन्होंने ये वीडियो फेक बनाया हो, बट यहाँ जो वीडियो है उसको देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये फेक है। जरा आप इस क्रीचर की चमकती हुई आंखें और इसका अजीब सा लुक देखिए, मतलब वाकई में ये अगर किसी के सामने आ जाए ना उसकी पैंट गीली हो जाएगी। तो भैया चलो अपने देश वापस चलते हैं, एक और एक्सपेरिमेंटल चैनल का एक और वीडियो देखते हैं जहां पर वीडियो बनाते समय लोगों को एक भूतिया एक्सपीरियंस हुआ और ये वीडियो है फ्रॉम द चैनल क्रेजी एक्स वाई जेड या एक्स वाई जी। ये लोग गए थे इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड किले में जो भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कहानी सभी को मालूम है, वैसे मैंने एक वीडियो में डिटेल में इसकी कहानी बताई थी, नहीं देखा अगर तुमने वो वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ देख रहा होगा। तो भैया इस किले में रात के समय रुकना बिल्कुल मना है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखा है कि रात में बिल्कुल मत रुकना, नहीं तो इस दुनिया में नहीं रुकोगे। लेकिन क्रेजी एक्स वाई जी ने कुछ क्रेजी करने की कोशिश की, इन्होंने रात के समय यहाँ पर व्लॉगिंग की और साथ ही में ये लोग ले गए थे अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर जो जनरली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है। जब ये मीटर रेड हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल है और ये किसी आत्मा या किसी भूत के होने का संकेत होता है। तो भैया जब ये लोग रात के समय इस जगह पर घूम रहे थे तो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर ये मीटर रेड हो गया और इन लोगों को भी कुछ अजीब अजीब से लगने लगा और तभी अचानक से अमित जो इस चैनल के ओनर हैं क्रेजी एक्स वाई जी हैं उनके हाथ का जो मीटर था वो छूटकर जमीन पर गिर गया। अब भैया गिर गया है तो उठा लो, उसमें भूत को क्यों घसीट रहे हो? नहीं देखो, वैसे इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए और ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहां गवर्नमेंट ने ही मना कर रखा है कि रात में मत जाना। तो इन लोगों के वीडियोस फेक हों या असली हों, इन लोगों की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया मैं भले भूतों के वीडियोस बनाता हूं लेकिन अगर तुम मुझसे बोलोगे ना तो मैं कभी भी ऐसी जगह पर भूल कर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर लो। तो भैया बहुत सी जगह पर किले में इनका मीटर रेड हुआ, इन लोगों को बहुत सी जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई और उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया यहाँ से 9:00-11:00 हो जाने का। तो ये लोग उस किले से निकल गए और इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकला था कि भानगढ़ के किले में रात के समय ऐसी एनर्जी इतनी पावरफुल तो होती है जो मीटर में डिटेक्ट हो जाए और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जगह हॉन्टेड है। हालांकि मैंने इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर सौरव जोशी व्लॉग्स का भी एक व्लॉग देखा था जहां पर वो इसी जगह पर गए थे और उन्होंने क्लियरली बताया था कि उन्हें तो ऐसा कुछ भी भूतिया महसूस नहीं हुआ, यहां पर आकर उन्हें बड़ा मजा ही आ गया। ठीक है, मैं उनकी ऑनेस्टी की दाद देता हूं, लेकिन उनकी बात को मैं सच्चा और तभी मानूंगा जब वो रात के समय व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि भैया दिन के समय तो हर जगह सुंदर लगती है लेकिन जब सूरज ढल जाता है रात के 12 बजे के बाद वो जगह उतनी ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है। गैस करने को तो मैं वो सब कर सकता था कि भूत दिख रहा है यहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं भाई। मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, मैं कहूंगा आओ भाई मजा आएगा। नेक्स्ट हमारे इंडियन यूट्यूबर जिनका नाम है रणबीर आलूवालिया, उनका चैनल का नाम था बियर बाइसेप और उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि किस तरीके से उनको रात में स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस होता था। आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग डीपर देन स्लीप पैरालिसिस। I felt like these little shadowy creatures, this shadowy power was kind of chaining me down to the bed. It gradually chained me up entirely. And I knew something was wrong. नॉर्मली उनको स्लीप पैरालिसिस होता ही रहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा डरा देने वाला था। It was almost the same woman. The same single eye staring down. The same hair on one side. The same burnt up skin, untidy clothes. Those pale, dead eyes.
not staring at you angrily, just staring at you with the eyes of death, with nothingness. केवल आप लोग ही नहीं, दुनिया में यूट्यूबर लोग भी भूतों से परेशान हैं। खासकर वो लोग जो कि भूतों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनका कभी ना कभी इस तरीके की शक्तियों से सामना हो ही जाता है। उन्हें कभी ना कभी इस तरीके के एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं। जब मैंने इस वीडियो का पार्ट वन बनाया था यूट्यूबर्स वर्सेस घोस्ट, उसमें मैंने अपनी कहानी भी बताई थी कि कैसे मुझे भी एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। वैसे मुझे मालूम है तो उन लोगों ने देख ही रखा होगा। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करो या मुझसे कोई पूछे कि क्या मैं भूतों में बिलीव रखता हूं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत बार इस तरीके की एक्टिविटीज को महसूस भी किया है और एक दो बार मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिन्हें मैं आज भी अगर याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इन सब चीजों से बचने के बहुत सिंपल सोल्यूशन है। पहला तो अपने आसपास आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, और दूसरा ऐसी जगहों पर जाने से बचें जिनके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है कि ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि मुझे रात में ही टाइम मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, अभी भी रात के करीब 12:30 बजे हैं, ज्यादा लेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रात में इस तरीके के वीडियो बनाते टाइम डर तो लगता है। और अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को जब एडिट करने बैठूंगा तो मुझे और ज्यादा डर लगेगा। भैया डरते ही सही, वीडियो को लाइक कर दो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2022 खत्म होने वाला है और 3 मिलियन होने में हमारे केवल 20,000 सब्सक्राइबर कम है, तो यार जल्दी से 10-15 दिन और बचे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो ताकि हमारा नए साल में चैनल 3 मिलियन क्रॉस कर जाए। तो इस वीडियो पर लाइक का कोई टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करने का टारगेट है। तुम लोगों की जिम्मेदारी है इस चैनल को 2023 आने से पहले 3 मिलियन तक पहुंचा देना प्लीज। यार चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।